नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम देखेंगे कि हम पंजाब नेशनल बैंक का GECL का फॉर्म कैसे भर सकते हैं। ये PNB का GECL का फॉर्म है जो आपको इस समय अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये दो पेज का फॉर्म है। अभी मैं इसके साइज को थोड़ा बड़ा कर देता हूं जिससे आपको क्लियरली ये दिखाई दे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि GECL स्कीम जो है वो सरकार ने बहुत ही रिसेंटली लॉन्च करी है। जिनका भी बैंक से लिमिट या लोन पहले से चल रहा है अपने बिजनेस के नाम पे, वो एक्स्ट्रा फंडिंग ले सकते हैं बैंक से अपने बिजनेस के लिए। जिनको भी कोविड के चलते अपने बिजनेस में नुकसान हुआ है, उनका बिजनेस बंद पड़ गया है, उनके लिए है। तो शुरू करते हैं ये फॉर्म भरना। सबसे पहले हमें भरना है नेम ऑफ द बोरोअर, यानी कि जिसके नाम से लिमिट चल रही है पहले से बैंक में, उसका नाम भरना है। या ब्लॉक लेटर्स में, जैसे यहां मैं भरता हूं श्याम टेक्सटाइल्स। इसके बाद में भरना है कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आपका जो बिजनेस है उसका स्वामित्व कैसा है, वो प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, कंपनी है, ट्रस्ट है, जो भी है वो आप यहां भर सकते हैं। जैसे हम यहां भरते हैं प्रोप्राइटरशिप। इसके बाद बिजनेस एक्टिविटी, यानी कि आप काम क्या करते हैं। मैं यहां भर रहा हूं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल्स। आप जो भी काम करते हो आप वहां भर सकते हैं इसको। लोन अमाउंट रिक्वेस्टेड, यानी कि आप कितना लोन बैंक से मांग रहे हैं। तो यहां पर आपको GECL के अंदर लोन कितना मिल सकता है। 29 फरवरी 2020, यानी 29 फरवरी 2020 को आपके लिमिट और लोन में मिलाकर जितना भी अमाउंट खड़ा था, यानी कि जितना भी पैसा ड्यू था, आपने जितना पैसा बैंक का यूज किया हुआ था, उसका 20% तक आपको लोन GECL के अंदर मिल सकता है। मतलब ये हुआ कहने का कि मान लीजिए आपकी बैंक से 20 लाख रुपए की तो CC की लिमिट है या OD की लिमिट है, और आपने 29 फरवरी को उसमें से 16 लाख रुपए यूज किए हुए थे। उसके अलावा आपका मान लीजिए कि 50 लाख रुपए का टर्म लोन भी है। हो सकता है आपने मशीन के लिए या बिल्डिंग के लिए टर्म लोन ले रखा हो और उस 50 लाख में से 40 लाख रुपए यूज किए हुए थे। तो आपका जो टोटल आउटस्टैंडिंग, यानी कि टोटल जो बकाया था बैंक का, वो 16 लाख रुपए लिमिट में और 40 लाख रुपए लोन में, ये हो जाता है टोटल 56 लाख रुपए। अब इसका 20%, तो 56 लाख रुपए का 20% हो जाता है 11,20,000 रुपए। तो उतना लोन आप बैंक से मांग सकते हैं। तो अब 11,20,000 की जगह हो सकता है आपको कम की रिक्वायरमेंट हो, कम की आवश्यकता हो। तो यहां मैं 10 लाख रुपए का ये फॉर्म भर रहा हूं। पर्पस ऑफ लोन, यानी कि जो लोन आप बैंक से मांग रहे हैं वो आप किस लिए मांग रहे हैं, उसका क्या काम है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं बिजनेस पर्पस। इसके बाद आपने भरना है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यानी कि आपने बिजनेस कब से स्टार्ट किया हुआ है। तो यहां मैं डेट डाल देता हूं। आपने जब भी बिजनेस स्टार्ट किया हो आप वो डेट वहां भर सकते हैं। इसके बाद आपने भरना है रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर में आप उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन नंबर दे सकते हैं, या आपने अगर कोई और SSI का या SME का रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है आप उसका नंबर भर सकते हैं। जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास हो आप वो डाल सकते हैं। मैं यहां पर उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल रहा हूं। ये इसके साथ आप यहां लिख दीजिए उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन नंबर, इस तरह से। इसके बाद हमें भरना है आप अपना GSTN नंबर अगले ब्लॉक में। तो आप यहां भर सकते हैं अपना GST नंबर, यानी कि तो यहां मैं अपना GST नंबर भर रहा हूं। ये अब हमें भरना है डीलिंग विद बैंक, यानी कि जिस बैंक में आपकी लिमिट चल रही है उस बैंक में आपका खाता या आपकी लिमिट कब से है। तो यहां मैं ये डेट डाल देता हूं। आप अपने स्टेटमेंट में या आप अपने बैंक से पता कर सकते हैं आपका अकाउंट वहां पर कब से है, तो वो डेट आप यहां पर डाल सकते हैं। अगले कॉलम में भरना है वेदर एप्लीकेंट बिलोंग्स टू SC ST OBC माइनॉरिटी कम्युनिटी एक्सेट्रा। अगर इसमें से किसी भी वर्ग को आप बिलोंग करते हैं तो आप यहां लिख सकते हैं, अन्यथा आप यहां पर NA लिख सकते हैं। अब हमें बताना है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, यानी कि हमारे पास कितने एम्प्लॉइज काम करते हैं, कितने वर्कर्स हमारे पास काम करते हैं, उसको भी दो पार्ट्स में बताना है। यानी कि कितने वर्कर्स हैं जो कि परमानेंट बेसिस पे हमारे पास काम करते हैं और कितने हैं जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम करते हैं। तो जैसे मैं यहां भर रहा हूं 6 एम्प्लॉइज परमानेंट बेसिस पे हैं और 4 एम्प्लॉइज, हो सकता है आपके पास कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज कुछ भी ना हो, तो आप यहां 4 NIL लिख सकते हैं और यहां पर आप अपने परमानेंट एम्प्लॉइज की गिनती लिख सकते हैं। इसके बाद अब ये शुरू होता है हमारे बिजनेस के एड्रेस की डिटेल्स। सबसे पहले हमें बताना है रजिस्टर्ड ऑफिस अपना, यानी कि आपका ऑफिस कहां पर है। तो आप यहां लिख सकते हैं अपने ऑफिस का एड्रेस, आपका जो भी ऑफिस का एड्रेस हो, इस तरह से आप भर सकते हैं।
उसके बाद आपने बताने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस। हो सकता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और रजिस्टर्ड ऑफिस अलग अलग हो, तो आप उसको अलग अलग भर सकते हैं। और अगर आपका एड्रेस सेम है तो आप यहाँ, अगर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस का एड्रेस सेम है तो आप यहाँ सेम एज अबव भी लिख सकते हैं। इसी तरह से अब आपने बताना है एड्रेस ऑफ यूनिट या वर्क प्लेस, यानी कि आप काम कहां पर करते हैं, आपकी फैक्ट्री कहां पर है या आपकी शॉप कहां पर है, वो आप यहां भर सकते हैं। वो भी अगर सेम ही है तो आप यहां पर भी सेम एज अबव लिख सकते हैं। अब आपने बतानी है अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल, यानी कि मोबाइल नंबर आपका, आपका जो भी मोबाइल नंबर है आप यहां भर सकते हैं। अब हम बताने नेम ऑफ प्रोप्राइटर, पार्टनर्स, प्रोमोटर्स या गारंटर्स। तो जैसा कि हमने पहले ही देखा कि मैं जो ये फॉर्म भर रहा हूं ये प्रोप्राइटरशिप फॉर्म का फॉर्म है, तो हम यहां पर भरेंगे प्रोप्राइटर का नाम, प्रोप्राइटर का नाम भरने के बाद हम बताने डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन में आप भर सकते हैं प्रोप्राइटर। इसके बाद हम बताना रिलेशनशिप विद बोरोअर, या जो फर्म है और ये जिसका भी नाम हमने भरा है इसका आपस में रिलेशन क्या है, तो यहां पर क्योंकि यही फर्म के मालिक हैं तो आप यहां लिख सकते हैं सेल्फ और ब्रैकेट में लिख दीजिए प्रोप्राइटर, या प्रमोटर भी आप लिख सकते हैं। अब हम बताना है यहां पैन नंबर, यानी कि प्रोप्राइटर का पैन नंबर हमें देना है। तो जैसे कि आपको पता है कि जीएसटीएन के अंदर ही पैन नंबर भी होता है हमारा, तो आप यहां पर अपना पैन नंबर भर सकते हैं। फिर हमें बताना है प्रोप्राइटर का रेजिडेंशियल एड्रेस, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ, तो हम यहां लिख रहे हैं एड्रेस, इस तरह से आप एड्रेस भर सकते हैं। इसके बाद मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ, इस तरह से, तो ये आपका कॉलम भर जाता है। अब मान लीजिए कि आपका जो बिजनेस का स्वामित्व है वो पार्टनरशिप हो, यहां पर अगर कॉन्स्टिट्यूशन पार्टनरशिप है तो आपको ऐसे में क्या करना होगा, आपको सभी पार्टनर्स के नाम यहां पे भरने होंगे और सभी पार्टनर्स की ये वाली डिटेल्स भरनी होंगी, यानी कि डिजिग्नेशन, उनकी रिलेशनशिप, उनका पैन नंबर और उनकी उनका पर्सनल एड्रेस, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ भरना होगा। अब हमें बताना है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ बोरोअर या बोरोइंग कंपनी, यानी कि आप अपनी फर्म में क्या काम करते हैं, कब से कर रहे हैं, इसके बारे में आप छोटा सा ब्रीफ यहां पे लिख सकते हैं। जैसे मैं यहां लिख रहा हूं, जैसे मैंने पहले ही बताया कि इस फर्म में हम टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, तो यहां पे आप लिख सकते हैं इस तरह से कि श्याम टेक्सटाइल्स इज इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल्स सिंस 2016। और आप यहां छोटा सा ये भी लिख सकते हैं कि आपको पैसे की जरूरत क्यों है, तो आप ऐसे भर सकते हैं। ऐसे जो भी आपको बिजनेस के संबंध में आप लिखना है आपने, वो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। इसके बाद हमें भरना है क्रेडिट फैसिलिटी सैंक्शन बाय अवर बैंक एंड अदर बैंक्स, यानी कि आप फर्म के नाम पे जहां से भी जो भी लोन है, जिस बैंक में आप ये अप्लाई कर रहे हैं, जैसे हम ये पीएनबी में अप्लाई कर रहे हैं, तो पीएनबी से आपने क्या लोन ले रखा है उसके बारे में आपने लिखना है। इसके अलावा हो सकता है आपका दूसरे बैंक से भी कोई लोन हो फर्म के नाम से, तो वो भी आपने यहाँ भरना है। तो अब यहाँ पर हम पहले भरते हैं पीएनबी, नेचर फैसिलिटी में हम लिखते हैं सीसी यानी कि कैश क्रेडिट लिमिट, पर्पस में हमें लिख देते हैं वर्किंग कैपिटल, क्योंकि जो सीसी का जो पर्पस होता है वो वर्किंग कैपिटल होता है। लिमिट हम यहां लिख रहे हैं 20 लाख। अब हम भरना है आउटस्टैंडिंग एज ऑन 29/2/2020। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जीईसीएल में जो आपको पैसे मिलते हैं वो 29 फरवरी को जितना आपने पैसा यूज किया है उसके आधार पर आपको मिलता है, उसका 20% आपको मिलता है। तो यहां पर 29 फरवरी को हमारी लिमिट में जो हमने पैसा यूज किया हुआ था वो 16 लाख रुपए था, तो हमने यहां भरा 16 लाख। इसके अलावा पीएनबी से ही हमारा मान लीजिए कि मशीनरी का लोन है, पर्पस में लिख देते हैं मशीनरी, जो लोन था मशीनरी का वो 50 लाख का था और 29 फरवरी को इसमें 40 लाख रुपए बकाया थे, यानी कि 40 लाख रुपए हमारे लोन में खड़े हुए थे। इसके अलावा हो सकता है कि हमारा किसी और बैंक से मान लीजिए कि SBI से भी कोई लोन हो, इसमें हम यहां लिखते हैं बिजनेस लोन, यहां लिख देते हैं बिजनेस पर्पस, सैंक्शन लिमिट
जो एसबीआई से जो लोन था मान लीजिए कि वो 25 लाख का है और 29 फरवरी को इसमें 12 लाख रुपए खड़े हुए थे। इस तरह से भर सकते हैं। अगर आपका दूसरे बैंक से कहीं कोई लोन नहीं है तो आप इस ब्लॉक को खाली छोड़ सकते हैं या इसमें आप लाइन खींच के इसको एनएबी लिख सकते हैं। अब हमें यहां लिखना है टोटल एक्सपोजर। तो टोटल एक्सपोजर आपका हो जाता है जो लिमिट होती है उसमें हम हमेशा सैंक्शन लिमिट जितनी होती है उसका एक्सपोजर में गिनते हैं, तो 20 लाख रुपए। उसके बाद जो टर्म लोन होता है उसमें हम जितना हमारा बकाया होता है उसे एक्सपोजर में गिनाया जाता है, तो 20 लाख, और टर्म लोन में हमारा बकाया था 40 लाख रुपए, और एसबीआई से जो बिजनेस टर्म लोन था उसमें बकाया था 12 लाख रुपए। तो हमारा टोटल एक्सपोजर हो जाता है 20 लाख, और 40 लाख होता है 60 लाख, और ये 12 लाख यानी कि 72 लाख हमारा टोटल एक्सपोजर हो जाता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं। इसके बाद हमें भरना है डिटेल ऑफ ग्रुप कंसर्न अकाउंट्स। ग्रुप कंसर्न का मतलब क्या होता है कि जो इस बिजनेस का मालिक है अगर वो किसी और भी बिजनेस में ओनर है या पार्टनर है, डायरेक्टर है, किसी भी तरह से किसी और बिजनेस में उसका स्वामित्व जुड़ा हुआ है तो उसकी डिटेल्स हमें यहाँ भरनी होती है। अगर ऐसा नहीं है तो आप यहाँ नहीं लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है सिग्नेचर एंड स्टैम्प। तो आप यहाँ सिग्नेचर और स्टैम्प लगाकर जो भी फर्म का आपका स्टैम्प है वो आप लगा सकते हैं, उसमें साइन कर सकते हैं, और जिस डेट में आप ये फॉर्म भर रहे हैं आप वो डेट भर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ये फॉर्म 11 जुलाई 2020 को भर रहा हूँ। इस तरह से ये फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। अब इसका मैं साइज थोड़ा छोटा करके आपको दिखा देता हूँ कि ये फॉर्म किस तरह से दिखाई देता है भरने के बाद में। तो ये है कंप्लीट फॉर्म। तो ये सिंपली 2 पेज का फॉर्म है जो कि पीएनबी अपने जीसीएल के बॉरोअर्स के लिए यूज कर रहा है। तो अगर आप पीएनबी में जीसीएल के अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो की मदद से अपना फॉर्म भर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वापस आते रहिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय, टेक केयर।